दो दिन पहले जब यहाँ पर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई, उस वक्त आसपास के जो घर के लोग थे वो भी बहुत दहशत में थे। ये कहा जा रहा है कि जो प्रेम पांडे हैं वो मामा थे, और हमारे साथ प्रेम पांडे की बहू जी, क्या नाम बताया आपने अपना? मनु जी। आपने, आपको मालूम है कि प्रेम पांडे जी का एनकाउंटर हो गया, वो थे वहाँ पर साथ में, क्या आपको जानकारी है? पापा जेसीबी जो चलाता था उसके साथ में सड़क की सफाई करवाते थे, तो जब ये कांड हुआ है तो हम, मेरे हस्बैंड, दोनों बच्चे इस कमरे में सो रहे थे, और जैसे ही पहली गोली की आवाज़ आई हम लोग बाहर निकले, तुरंत मम्मी के पास गए। 12:30 के बाद ही घड़ी, हमने एग्जैक्ट टाइम नहीं देखा था। मम्मी के पास गए तो मम्मी ने बोला हाय बुआ भाग जाओ, इनको बोलने लगी तो ये तो अपना बाहर निकल गए। पापा उसके बाद आए होंगे और हमसे बोला मम्मी ने कि अंदर से कुंडी लगा लो, हमने इस कमरे की कुंडी लगा ली, दोनों बच्चों को लेके हम पैक हो गए थे। इस कमरे में थी आप? हाँ। और यहाँ से कुछ बाहर दिख रहा था आपको? हाँ। क्या दिख रहा था? हाँ, ये जो जिनकी डेथ हुई है वो वहाँ पे लेटे हुए थे, ये हमने नहीं देखा था, पहले नहीं देखा था। खून का निशान है? हाँ। वहाँ से एक आदमी बोला वो देखो साला लेटा हुआ है। ये कौन सी एसीओ बिलौर थे? ये सुबह पता चला था हमको कि ये सीओ है, जब पुलिस वालों ने बताया था। इनकी मौत रात में ही हो गई थी? पहले उन्होंने ये बोला, फिर वहाँ से 4 आदमी कूदे, और जब वो कूदे और उन लोगों ने जब फायर करी तो मेरे दोनों बच्चे जग गए और कुत्ते तेज रोने लगे, मेरे बच्चे। हम अपने बच्चों को फिर संभालने लगे, बस हमने इतना ही देखा था, हम इतना डर गए थे। तो कमी बहुत मध्यम वर्गीय परिवार के हम भी हैं, कि मार धाड़ मेरे घर में कभी कोई नहीं करता। और वही चीज मम्मी ने, संतोष शुक्ला कांड में इनकी एक बहन बेटी थी, वो उसकी डेथ हो गई थी यही सब शॉक हो करके, तो मम्मी ने अपने अकेले बेटे को बहुत ही ज्यादा मतलब क्लीन में रखा है, कभी कोई दाग नहीं लगने दिया, किसी थाने में कोई नाम नहीं है इनका, घड़ी फैक्ट्री में आराम से जॉब कर रहे थे 14 साल से। तो यहाँ पर आपने कितनी गोलियां, आपकी आवाज सुनी होगी आपने, लगभग कितने घंटे फायरिंग होती रही? घंटे नहीं हुई है, आधे घंटे के अंदर सारा सब खत्म हो गया। कितने राउंड फायरिंग हुई, कितनी गोलियों की आवाज सुनी होगी आपने? ये हम सही से नहीं बता सकते, लेकिन बहुत सारी गोलियां हुई थी। तो और यहाँ पर कुछ दिखा था आपको, यहाँ पर कौन कौन लोग? कुछ नहीं बता तो रहे, एक वो पल था बस, उन्होंने ये बोला वो आदमी यहाँ कूदे, सब लोगों ने मुंह बांध रखे थे, हमने जैसे यहाँ पे गोलियां चली, मेरे बच्चे, वो मेरा बेटा छोटा सा है वो भी रोने लगा, ये भी रोने लगी, हम भी रोने लगे, हम बस अपने बच्चों को संभाले बैठे हुए थे। फिर उसके बाद धीरे से इन लोगों को सुलाया, सुबह यहाँ से हमने जब ग्रीन कलर के कपड़े देख लिए, उन लोगों ने दरवाजा खुला, तब हमने तुरंत दरवाजा खोल दिया कि हमें लगा पुलिस वाले हैं। बाकी विकास दुबे से क्या रिश्ता है आप लोगों का, कोई रिश्ता? विकास दुबे की जो मम्मी है उनकी बहन के लड़के हैं पापा, उस नाते से मामा लगते थे। दूर का रिश्ता? हाँ। और ये घर उन्होंने रहने के लिए केवल दिया था, ये घर नहीं दिया था, केवल जमीन दी थी। ये तो अभी 1 साल पहले पापा को उसका घड़ी फैक्ट्री का थोड़ा पैसा ऐसा मिला था तो ये बनवाया था पापा ने, बस उनकी इतनी गलती थी कि 1 साल मात्र हुआ हम लोग यहाँ रहने। तो आप देख सकते हैं कि दहशत में है पूरा परिवार। प्रेम पांडे इनके ससुर थे जो विकास दुबे के बहुत करीबी थे, कहा जा रहा था कि जेसीबी के साथ वो मौजूद थे, लेकिन जब घटना हुई वो फरार हुए, पुलिस मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई पुलिस मुठभेड़ में। और ये हालांकि घर वाले जो उनकी बहू हैं वो कह रही हैं कि उनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि प्रेम पांडे हमेशा से साथ रहा विकास दुबे के, और विकास दुबे का के गैंग का वो एक सदस्य था, और जेसीबी उस वक्त जो ड्राइवर चला रहा था उसके साथ वो मौजूद था, और यही वजह थी कि जब ये पूरा हत्याकांड अंजाम दिया गया, उस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जब विकास दुबे फरार हुआ तो साथ में प्रेम पांडे भी फरार हो गया, लेकिन प्रेम पांडे बहुत दूर तक भाग नहीं पाया, और थोड़ी दूर पर ही मुठभेड़ में जो दो लोग उसमें मारे गए उसमें प्रेम पांडे भी शामिल था। और ये आप देख रहे कि तफ्तीश के दौरान ये सब यहाँ पर साक्ष्य जमा किए गए, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम आई थी। ये वो स्थान है जहाँ पर सीओ बिल्लौर को गोली मारी गई, तो यहीं पर अचेत अवस्था में गिर गए थे। और मैं आपको दिखाऊंगा, ये दीवार है, ये पीछे का रास्ता है, ये जो आप दीवार देख रहे हैं इस दीवार को किसी तरीके से फाड़ करके सीओ बिल्लौर यहाँ पर आए थे, चूंकि इधर से दरवाज़ा पूरा बंद था, ये जो आप दो दरवाजे देख रहे हैं ये दरवाज़ा बंद था, क्योंकि भीतर कुछ महिला और उनके दो बच्चे थे, उन्होंने दरवाज़ा भीतर से बंद कर रखा था। उसके बाद यहाँ से कुछ लोगों ने आवाज़ दी और गालियाँ बकते हुए सीओ पर कई राउंड फायर कर दिए, और जिसके बाद सीओ बिल्लौर की यहाँ पर मौत हुई, वो शहीद हो गए। और उसके बाद जो मुठभेड़ हुई उसमें प्रेम पांडे
जो मामा है दूर के रिश्ते का, विकास दुबे का, वो और उसका एक और साथी मारा गया। आज नौकर को भी मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। निश्चित तौर पर इस बीभत्स हत्याकांड का, जिसमें 8 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई, इस गांव और इसके आसपास के लोग शायद ही कभी भूल पाएंगे। इतना दर्दनाक हादसे को अंजाम देने के बाद, इतनी दर्दनाक घटना को अंजाम देने के बाद विकास दुबे जब फरार हुआ है, तो अब पुलिस के सामने एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरीके से विकास दुबे को उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, कानपुर, न्यूज 24। आप कल्पना नहीं कर सकते कि 3 थानों की फोर्स, साथ में सीओ और पूरा एक अमला जो हथियारों से लैस था, लेकिन उसको सिर्फ 51 राउंड फायरिंग करने का मौका मिला। तफ्तीश में ये तथ्य उभर के सामने आया है कि जिस तरीके से घेराबंदी विकास दुबे और उसके बदमाशों ने कर रखी थी, पुलिस कर्मियों को बहुत मौका ही नहीं मिल पाया। अब आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कि ये जो आप हमारे बाईं दाहिनी तरफ देख रहे हैं, कुछ बदमाश यहाँ पर मौजूद थे पहले से घात लगाए हुए। दूसरा, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये प्रेम पांडे का मकान है जो जेसीबी चलाने वाले ड्राइवर के साथ मौजूद था, जब जेसीबी यहाँ पर जेसीबी को लगा करके रास्ता रोका गया था। कुछ बदमाश यहाँ मौजूद थे और जो बगल वाला आप मकान देख रहे हैं, कुछ बदमाश इन छतों पर मौजूद थे। और सामने जो आप खिड़की देख रहे हो, खिड़की के बगल में एक छोटा सा आपको जंगला नज़र आ रहा होगा, एक बहुत छोटा सा जंगला है ये, यहाँ पर बदमाश घेराबंदी किए हुए थे। और अंधेरे में जिस तरीके से जब यहाँ पर फोर्स पहुँची, फोर्स 2-3 तरफ से आई थी, लेकिन जैसी फोर्स पहुँची ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हुई और पुलिस को सिर्फ 51 राउंड गोली चलाने का मौका मिल पाया। करीब करीब आधे घंटे से 45 मिनट तक फायरिंग हुई और लगातार फायरिंग होती रही। करीब करीब 100-150 से ज़्यादा राउंड फायरिंग बदमाशों ने किया होगा। और जिस तरीके से विभत्स घटना को अंजाम दिया, ये आप देख रहे हैं, ये वो इलाका है, ये जो वो इलाका है आप देख रहे हैं, इस इलाके यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर एक पुलिसकर्मी की मौत हुई। इसके अलावा आपको दिखाएंगे, इसको आपको दिखाएंगे, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये फायरिंग के आपको निशान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर फायरिंग हुई है और इस तरफ फायरिंग हुई है, यहाँ फायरिंग हुई है, आप सामने देख सकते हैं, चारों तरफ से फायरिंग हुई। तफ्तीश में निकल क्या है, सिर्फ 51 राउंड पुलिस गोली चला पाई है। और 51 राउंड गोली चलाने के बाद पुलिस के तमाम जवान जो थे, वो 8 पुलिसकर्मी शहीद हो चुके थे, कई घायल हो चुके थे। और जो बदमाश थे वो यहाँ से घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, कानपुर, न्यूज 24।